हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मौसमी भट्टाचार्य फ्रॉम शेठ विद्या मंदिर इंग्लिश हाई स्कूल CBSE वसई। आज मैं आपको कक्षा 7 वसंत का पाठ 11 रहीम के दोहे फिर से समझाने जा रही हूँ। प्रस्तुत पाठ की रचना रहीम दास जी ने की है। मध्यकालीन कवि रहीम कलम और तलवार के धनी थे। इस पाठ में रहीमदास विरचित 5 नीतिपरक दोहे संकलित किए गए हैं। प्रत्येक दोहे का प्रसंग भिन्न है। पहले दोहे में रहीमदास जी यह कह रहे हैं कि कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत विपत्ति कसौटी जे कसे तेई सांचे मीत। जब हमारे पास धन संपत्ति वैभव सब होता है उस समय हमारे बहुत सारे मित्र बन जाते हैं, परंतु जब हम विपत्ति में रहें, जब हम परेशानी में रहें, जब हम मुश्किल में रहें, उस समय जो हमारी मदद करता है, जो हमारी सहायता करता है, वो ही हमारा सच्चा मित्र होता है। धन संपत्ति होने पर बहुत से लोग साथ देते हैं, परंतु सच्चा मित्र ही विपत्ति के समय साथ देता है। दूसरा दोहा है, जाल परे जल जात बही तजिमीनन को मोह रहीमन मछरी नीर को तौ न छाड़ती छोह। विपत्ति आने पर यानी जाल में फंस जाने पर पानी मछली को छोड़कर चला जाता है, क्योंकि वह उससे सच्ची मित्रता नहीं करता है, इसलिए अपने मित्र को विपत्ति में पड़ा देखकर उसे छोड़कर चला जाता है। परंतु मछली जो पानी से सच्चा प्रेम करती है, सच्ची मित्रता रखती है, वह पानी से अलग होते ही उसके दुख में, उसके वियोग में अपने प्राण त्याग देती है। मछली कभी भी पानी का साथ नहीं छोड़ती है, परंतु पानी उसे छोड़कर आगे बढ़ जाता है। तीसरा दोहा है, तरुवर फल नहीं खात है सरवर पियत न पान कही रहीम पर काज हित संपत्ति सच ही सुजान। इस दोहे में रहीमदास जी ने कहा है कि वृक्ष कभी भी अपना फल नहीं खाता है, नदी कभी भी अपना पानी नहीं पीती है। वह मनुष्य जो आगे के लिए यानी भविष्य के लिए संचय करके रखता है, दूसरे की मदद करने के लिए संचय करता है, वह ही वास्तव में सज्जन पुरुष होता है। चौथा दोहा है, थोथे बादर क्वार के ज्यो रहीम घहरात धनी पुरुष निर्धन भय करे पाछली बात। क्वार के बादल जिस तरह से सिर्फ गरजते रहते हैं परंतु बरसने में असमर्थ होते हैं, उसी तरह से वे पुरुष जो कभी धनी थे आज परिस्थितिवश किसी कारणवश निर्धन हो गए हैं, वह अपना भविष्य सुधारने के स्थान पर क्वार के बादलों के समान अपने पुराने समय की बातें कर 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 डींगे हाँकते हैं, अपने सुखी दिनों की बात करते हैं और गरजते रहते हैं। पांचवा दोहा है, धरती की सी रीत है सीत घाम और मेह जैसी परे सो सही रहे त्यों रहीम यह देह। जिस प्रकार धरती सर्दी गर्मी और बरसात तीनों ऋतुओं को समान भाव से अपने ऊपर लेती है, उसे सहन करती है, उसी प्रकार से मनुष्य को भी होना चाहिए। उसे सुख में अत्यंत सुखी और खुश होकर दुनिया के लोगों को तुच्छ नहीं समझना चाहिए और अपने दुख में एकदम दुखी होकर संसार से विरत नहीं हो जाना चाहिए, यानी हर परिस्थिति का डटकर सामना करना चाहिए और सामान्य रहना चाहिए। रहीमदास जी के ये दोहे हमें जीवन जीने की सीख देते हैं कि किस प्रकार हम जीवन को सही रूप से जी सकते हैं और अपने आप को, अपने चरित्र को ऊंचा उठा सकते हैं।
रहींदास जी के इन दोहों से हमें भी अपने जीवन में सीख लेनी चाहिए। इस पाठ के अंतर्गत आए हुए दोहों को हमने एक बार फिर से समझा, पाठ के अंतर्गत करवाए गए दोहों के सार को ध्यानपूर्वक पढ़े, आशय स्पष्ट करो, प्रश्नोत्तर आदि को याद करें एवं अभ्यास में जो व्याकरणिक प्रश्न करवाए गए हैं उन्हें पुनः अभ्यास करें। पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़ें। हमारा पाठ यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।